पहला क्वेश्चन है बच्चों, द मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज ₹4,650। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। आपने रियल लाइफ में कई बार ऐसा फील किया होगा, है ना, कई बार जो शॉप्स होते हैं उनमें ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया जाता है, तो आप लोगों ने इस ऑफ सीजन डिस्काउंट को कई बार प्रैक्टिकली फेस भी किया होगा। जैसे आप लोग एज्यूम करो विंटर सीजन के जो कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, तो जब जनवरी का महीना बीत जाता है बच्चों, उसके बाद जो कपड़े बच जाते हैं दुकानों में, तो कई बार जो दुकानदार होते हैं उन कपड़ों को निकालने के लिए, मतलब बेचने के लिए एक ऑफ सीजन डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर्स को। और ये जो ऑफ सीजन डिस्काउंट होता है ये उसी प्राइस टैग पर होता है जो ऑलरेडी पहले भी आपने देखा था जब आप विंटर के समय में उसको खरीदने गए थे, फिर भी उन दुकानदारों को लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो प्राइस टैग उस पर लगाया हुआ है। अगर वो उस पर भी सेल करते तब भी बेनिफिट होता, और अगर उससे थोड़ी सी कम कीमत पर भी सेल करेंगे तब भी उन्हें बेनिफिट है। तो पहले वो ज़्यादा बेनिफिट ले रहे थे विंटर के समय, और अब जब ऑफ सीजन है तो वो अब कम बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है ना, ताकि वे खराब ना हो जाए और अगले सीजन आते आते जो है वो आउट ऑफ डिमांड ना हो जाए, जबकि वो बिल्कुल ही ना बिकें और उन्हें कोई भी बेनिफिट ना मिले। तो इसलिए वो ऑफ सीजन डिस्काउंट देते हैं ताकि वे कपड़े जो हैं उनके निकल जाए। तो यहाँ पर जो सवाल है इसमें इसी तरह का ऑफ सीजन डिस्काउंट जो है वो 18% दिया जा रहा है, मार्क प्राइस है 4650 एंड डिस्काउंट है 18%। तो हम लोग सबसे पहले डिस्काउंट इवैल्यूएट करेंगे। डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पे दिया जा रहा है, मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। 18% ऑफ MP मार्क प्राइस, इसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, सॉल्व कीजिएगा, आपको ये मिलेगा ₹837। देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों, जो मार्क प्राइस है उसमें डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। ये अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं, इसलिए मैंने इसे अलग से नहीं बताया, आप लोग इसे प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि सेलिंग प्राइस जिसमें आपको खरीदना है आप कितने पैसे देते हो, मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करके। तो सेलिंग प्राइस क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे दोनों का वैल्यू आप पुट करो, यहाँ जो आपको आंसर मिला यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, द प्राइस ऑफ अ स्वेटर वाज स्लैश्ड फ्रॉम ₹960 टू ₹816 बाय अ शॉपकीपर इन द विंटर सीजन, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम। एक स्वेटर है जिसका प्राइस ₹960 से कम करके ₹816 कर दिया जाता है विंटर सीजन में, ताकि ये जो कपड़ा है वो जल्दी से बिक जाए शॉपकीपर का, है ना, और बेनिफिट तो उसे मिल रहा है, बिना बेनिफिट को वो कभी बेचता नहीं है, याद रखिए। तो अब यहाँ हमें रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है कि वो कितना डिस्काउंट दे रहा है अपने आइटम्स को सेल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्क प्राइस दिया हुआ है लिख लिया हम लोगों ने, सेलिंग प्राइस जो गिवन है वो भी हम लोगों ने लिख लिया, डिस्काउंट का रेट निकालना है, मतलब सबसे पहले डिस्काउंट निकालना होगा। डिस्काउंट कैसे निकलेगा बच्चों, जो प्राइस टैग था, जितना प्राइस उस पर लिखा हुआ था और हम लोगों ने जितना एक्चुअल अमाउंट दिया उस शॉपकीपर को, ठीक है, उसका डिफरेंस, मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये आपका निकला ₹114। डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस, देयरफॉर डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट इनटू 100 बाय मार्क प्राइस। जैसे हम लोग गेन परसेंट निकालते थे, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, है ना, या लॉस, गेन और प्रॉफिट तो खैर सेम है, या लॉस परसेंट, तो गेन या लॉस होता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसीलिए वहां हम लोग गेन इनटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस करते थे या लॉस इनटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस करते थे। इस एक्सरसाइज में आप लोग देखोगे कि कॉस्ट प्राइस की जगह आपको मार्क प्राइस जो है वो ठीक उसी तरह से शामिल हो रहा है।
क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो मार्क प्राइस पे हो रही हैं, मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला उसी तरह से यूज होगा, बस प्रॉफिट गेन या लॉस की जगह जो है वो डिस्काउंट आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस की जगह मार्क प्राइस आ जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इनटू 100 बाय मार्क प्राइस एंड दिस विल बी 15%। ओके, तो आज का वीडियो लेसन हम लोग यही फिनिश करते हैं। अपने अगले वीडियो लेसन में हम लोग इस एक्सरसाइज के अगले दो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।